इंजन की अगर बात करें तो इसमें 225 सीसी की BS6 सिंगल सिलेंडर मिल जाता है, जो कि वाटर कूलेट के साथ आता है। FI इंजन आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको TVS किंग BS6 की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो सर इसका कीमत कितना होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS की डोडा मैक्स CNG ऑटो की। ये ऑटो काफ़ी शानदार है। इस ऑटो की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जैसे आप जान सकते हैं इसके प्राइस, माइलेज, कीमत, डाउन पेमेंट वगैरह जो भी कुछ है सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, और इस गाड़ी की जो खूबी है वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम रोज़ बनाते रहते हैं और आपको आराम से देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी फ्रंट लुक की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है येलो और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, जो कि आपको देखने से ही पता चल जाता है कि ये ऑटो CNG में होने वाला है। और ये ऑटो आपको TVS का है, जो कि काफ़ी शानदार इसका लुक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और बात करते हैं हम इसकी फ्रंट लुक की, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार यहाँ पे आपको विंडशील मिलता है, काफ़ी क्लीन यहाँ पे देख सकते हैं आपको विंडशील मिल जाता है। इसके साथ एक वाइपर मिलता है, दोनों साइड आपको ORVM यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं दोनों, मतलब पीछे देखने का वाला शीशा यहाँ पे मिल जाता है दोनों साइड, देख सकते हैं आराम से। और यहाँ पे आपको मिलता है एक नंबर प्लेट लगाने का क्लिप, यहाँ पे मिल जाता है TVS की ब्रांडिंग, जो कि देख के ही पता चल जाता है कि यह गाड़ी TVS कंपनी की है। और यहाँ पे देख सकते हैं वाइजर इसकी काफ़ी शानदार यहाँ पे देखने को मिल जाती है, काफ़ी बड़ी यहाँ पे हेडलैम्प दिया गया है जो कि हाइलोजन में है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिकेटर लाइट्स, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे देखिए इसका जो मडगार्ड है ये आयरन में है, और यहाँ पे एक क्रोम फिनिश में इस तरह का कुछ लगाए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे तक देख सकते हैं आपको मिल जाता है यहाँ पे TVS का गाड़ी है, यहाँ पे TVS का टायर भी देखने को मिलता है जो कि 8 इंच का है, और ये टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मिलता है हेलिकल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर, और सामने की तरफ आपको मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, और कुछ इस प्रकार का साइड का लुक आता है, देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए दिखलाते हैं सबसे पहले ड्राइवर कंफर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैकरेस्ट दिया गया है, और सीट भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का यहाँ देख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का इसका देख सकते हैं यहाँ पर आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी क्लीन है। और यहाँ पे हैंडल बार के ऊपर ही आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, देख सकते हैं यहाँ पे सारे तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, इंडिकेटर लाइट जो भी कुछ का फंक्शन दिया गया है यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से आप अपने कितने किलोमीटर चले हैं यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें कुछ इस प्रकार की आपको दो चाबियाँ देखने को मिलती है, जो कि TVS की ब्रांडिंग के साथ आती है, और यहाँ पर आप इसको लगा कर इसे ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इस चाबी को लगाना है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको क्लच मिल जाता है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, और रिवर्स गियर जो कि है यहाँ पर हाथ पर ही मिल जाता है, कोई इधर उधर जाने का काम आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको रिवर्स गियर यहीं पे मिल जाएगा, और यहाँ से आप अपने न्यूट्रल 1, 2, 3 मतलब जो भी गियर लगाना है यहाँ से आप आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है इंडिकेटर लाइट स्विच, यहाँ पे आपको लाइट ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे लो बीम हाई बीम का स्विच मिलता है, और यहाँ पर मिल जाता है आपको एक्सीलेटर, और यहाँ से आप अपने गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने हॉर्न बजा सकते हैं, और यहाँ से आप अपने वाइपर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको दोनों ही साइड ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे दोनों साइड आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, दोनों साइड आप अपने आराम से स्पीकर यहाँ पर लगा सकते हैं। और सामने तरफ आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है, अलग से आपको चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आप केबल लगाइए और अपने आप आराम से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाता है, देखिए यहाँ से आप अपने CNG को और CNG को आप यहां से पेट्रोल में कर सकते हैं, और पेट्रोल से CNG यहां पे आराम से कर सकते हैं। और यहां पे आपको हाईजेड लाइट का स्विच मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहां पे छोटा सा एक केबिन लाइट, जो कि काफ़ी अच्छा है, रात में काफ़ी काम आने वाला है आपका। और देख सकते हैं नीचे तरफ आपको मिलता है एक हैंडल मिलता है, देखिए यहाँ से आप अपने गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं आराम से, अगर बैटरी वगैरह काम नहीं कर रहा तो यहाँ से आप अपने गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर एक मिल जाता है बोतल होल्डर, और इस प्रकार का यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिलता है इसमें, देख सकते हैं इस गाड़ी में आपको चॉक भी दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल कैन है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम सिंगल पैडल के साथ, और यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे देखिए ऊंचा कर दिया गया है, जहाँ से आप अपने पैर रख के आराम से ब्रेक को लगा सकते हैं। आइए पीछे तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको एक बड़ा सा गेट दिया गया है, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार के इसको दिया गया है खोलने के लिए, यहाँ से आराम से आप अपने गेट को खोल सकते हैं। कुछ यहाँ से देख सकते हैं इसमें आपको कार वाला फीलिंग यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी आप आराम से स्पीकर चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है
यहाँ पे, और यहाँ पे आप लगभग 3 से 4 पैसेंजर आराम से बैठा सकते हैं। पीछे तरफ भी कुछ स्पेस दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे आराम से पैसेंजर का सामान वगैरह आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है आपको एक स्टेपनी टायर, जो कि आपको पंचर होने के बाद काफ़ी आपके काम आने वाला है। तो यहाँ से आप अपने गेट को बंद कर लीजिए। और यहाँ पे मिल जाता है आपको डूरा मैक्स का ब्रांडिंग, देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पेट्रोल टैंक, जो कि आपको लगभग 2 से 2.5 लीटर का टैंक दिया गया है, जो कि आपको मतलब सीएनजी कहीं जिस एरिया में जाते हैं आपको सीएनजी नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ये काफ़ी काम आने वाला है। पीछे तरफ भी आपको मिलता है ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जो कि टीवीएस कंपनी से आता है और काफ़ी अच्छा टायर है। और पीछे का लुक देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे लुक दिया गया है। पीछे से देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है टीवीएस का ब्रांडिंग, और यहाँ पे मिल जाता है इंडिकेटर लाइट, टेल लैंप, रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, सीएनजी का ब्रांडिंग भी मिल जाता है, और काफ़ी मजबूत यहाँ पे बम्पर भी दिया गया है जो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे लिक्विड कूलेट का मतलब यहाँ पे लिक्विड कूलेट का ब्रांडिंग किया गया है, देख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे छोटा सा एक लाइट दिया गया है। यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट क्लिप लगा सकते हैं, नंबर प्लेट मतलब यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट लगा सकते हैं आराम से। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका इंजन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है भाई। देख सकते हैं यहाँ पे इंजन जो है इसका काफ़ी क्लीन है, और काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए हैं। इस गाड़ी को आप जितना चलाइए भाई, ये गाड़ी मतलब जो इंजन है हिट नहीं कर सकता, जिस क्योंकि इसमें दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे रेडिएटर पंखा वगैरह यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे इसका एयर फिल्टर दिया गया है, देख सकते हैं आप बोलते हैं कि जैसे कि इंजन देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्लीन है। और इंजन की अगर बात करें तो इसमें 225 सीसी की BS6 सिंगल सिलेंडर मिल जाता है, जो कि वाटर कूलेट के साथ आता है। FI इंजन आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको TVS किंग BS6 की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मिल जाता है एयर वेंट, देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखिए आपको टैंक मिलता है, यहाँ से आप अपने CNG को फिल करा सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे CNG का टैंक दिया गया है, जिसमें आप 4.5 लीटर CNG आराम से भरा सकते हैं। और यहाँ से आप उसका कैपेसिटी देख सकते हैं, यहाँ से आपको खोलने का दिया गया है, देखिए यहाँ से आप खोल के इसे फिल करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। CNG पे लगभग आपको 50 से 45 मतलब आराम से इसका माइलेज देखने को मिल जाता है। तो सर से अभी बात करते हैं क्या क्या इसमें गाड़ी में खासियत है, क्या इसका प्राइस माइलेज कीमत जो है, सर से अभी बात करके आपको बतलाते हैं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, पूछते हैं इसके बारे में। तो सर बताइए सर, आपका नाम क्या हुआ सर? नमस्कार सर, हम योगेश मणि तिवारी बोल रहे हैं, आसिम ट्रेडर से, अकबरपुर अंबेडकर नगर से। ओके ओके, देख सर, सकते हैं आप अगर अंबेडकर नगर जिले से देख रहे हैं, आजमगढ़ या फैजाबाद कहीं से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप आराम से संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ से आराम से TVS का गाड़ी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ओके सर जी सर, तो सर इसका कीमत कितना होने वाला है? 2,95,000। 2,95,000 रुपये से ऑन रोड कीमत होने वाला है सर। इसको मतलब फाइनेंस कराना चाहें तो कितना में हो जाएगा? फाइनेंस हो जाएगा कम से कम 65,000 में। कम से कम 65,000 रुपये डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, देख सकते हैं भाई 65,000 रुपये आप डाउन पेमेंट कीजिएगा, आराम से इस गाड़ी को फाइनेंस करा सकते हैं। और फाइनेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है सर? और फाइनेंस के लिए जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, और चेकबुक हुआ। चेकबुक भी लग सकता है जी सर। और इसमें गारंटर का जरूरत पड़ता है कि नहीं? सर गारंटेड लगेगा, एक गारंटर लगेगा, उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। ओके ओके, तो सर इसका स्पीड कितना है? स्पीड इसका भी 60 तक है। ओके, और माइलेज कितना दे देती है सर? माइलेज यही है 40 से 45 तक है। 40 से 45 तक ड्राइवर तो बताते हैं 50 भी देता है, लेकिन जी, आपको जी, लेकिन है कंपनी का हम बता रहे हैं, कंपनी का बता रहे हैं। हाँ, देख बताया जा रहा है 40 से 45 देता है, लेकिन ड्राइवर कोई कोई कहता है कि भाई हमें 50 भी मिल रहा है। वो तो अपने चलाने के हिसाब से, चलाने के हिसाब से आप जैसे चलाते हैं आप अच्छे से चलाइए, इसको ज़्यादा स्पीड में ना चलाइए, मतलब 40 से 50 के रेंज में चलाइए, आपको अच्छे माइलेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने संपर्क करके इस गाड़ी के तमाम सारे जानकारी ले सकते हैं। और ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।